ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आइडियाज, कहानी या मूवीज हमारी सोच 360 डिग्रीज बदल देती है। बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद ये मेरी सोच थी कि हमारा एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, वजूद, जिंदगी का मकसद ढूंढना है और उसको किसी हाल पूरा करना है। ये बदल गई जब मैंने डिज्नी की मूवी सोल देखी थी। हमें बचपन से यही सिखलाया जाता है कि गोल्स जैसे कि अपना एजुकेशन, करियर, बिजनेस या गेटिंग रिच को डिसाइड करना है और उसे सिंगल माइंडेडली अचीव करना है। और हम सब इस गोल्स को अचीव करने के लिए कितने सारे खुशियां, अपॉर्चुनिटीज और मोमेंट्स को कुर्बान कर देते हैं। इस मूवी का एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट यानी कि द जोन। ये फिजिकल और स्पिरिचुअल के दरमियान है। जोन में आने के लिए हम जो भी काम है उसे दिल से एंजॉय करें और वह एहसास जोन है। और ये काम अगर एडिक्शन बन जाए तो वह लॉस्ट सोल में तब्दील हो जाएगी। एक समय ऐसा आता है कि कोई चीज मायने नहीं रखती सिवाय उस गोल के। हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, लोग पढ़ाई, करियर, प्रमोशन में इतना उलझ जाते हैं कि अपने दोस्त, फैमिली, हेल्थ और हैप्पीनेस से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर जो उसका लाइफ गोल जैज है और वो सारी जिंदगी स्टेज पे परफॉर्म करने का सपना रखता है, उसने फाइनली स्टेज पे परफॉर्म किया तो वो काफी डिसअपॉइंटेड फील किया क्योंकि उसे कुछ डिफरेंस नहीं लगा इस स्टेज परफॉर्मेंस और उसके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस में। What's wrong, Teach? It's just I've been waiting on this day for my entire life. It's I thought I'd feel different. I heard this story about a fish. He swims up to this older fish and says, "I'm trying to find this thing they call the ocean." "The ocean," says the older fish. "That's what you're in right now." "This," says the young fish, "this is water. What I want is the ocean." जरा हम सोचें, अगर हम अपनी सारी जिंदगी एक मकसद के लिए डेडिकेट करते हैं और जब परफॉर्म करते हैं तो कुछ खास डिफरेंस नहीं लगे, कैसे लगेगा? इस एक मकसद के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज को जाने दिया, सारे कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए, खुशियां को त्याग दिया गया, तो क्या ये जीत है या हार है? आप ही डिसाइड करें। और इस मकसद को हासिल करने की दौड़ में जो हमने गवा दिए अब ये वापस नहीं आएंगे क्योंकि समय सबसे कीमती और लिमिटेड रिसोर्स है। इसे हम कभी रिवर्स या करेक्ट नहीं कर सकते। तब हमें पता चलेगा कि ये जिंदगी का मकसद, लाइफ पर्पस, एक जाल है और हम इस भंवर में ऐसे फंस जाते हैं कि जिंदगी हमारे सामने से गुजर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। सच्चाई ये है कि हम इस दुनिया में एक काम करने नहीं आए बल्कि
हमें बहुत सारे एहसास को महसूस करना है, जैसे खुशी, गम, दर्द, हार जीत, रिश्ते नाते, वही जिंदगी है। यहाँ तक कि मामूली चीज़ें जैसे कि चलना, सांस लेना, शाम और सवेरे को महसूस करना, यह जिंदगी है। इन शॉर्ट, सारे एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे, एहसास, अच्छे या बुरे, ये जिंदगी है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तो अपनी आत्मा को आजाद करो इन जहनी दीवारों से और जीवन के हर लम्हों को महसूस करो, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा।